और उपस्थित अन्य सभी सन्यासीगण और ब्रह्मचारी भाई, हमारे उपस्थित सभी आचार्यगण और साथ में हमारे भवन शिक्षकगण, सभी को इस पुनीत सभा में अभिवादन। आज का ये दिन जहां हम विदाई समारोह के संस्पर्श में आ रहे हैं, इसे कह सकते हैं कि विदाई समारोह की बजाय जिस प्रकार से एक प्रगति प्रतिवेदन जैसे रहता है, प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड, पूज्य महाराज जी की उपस्थिति से रामकृष्ण मिशन आश्रम नरेंद्रपुर में जितने भी प्रगति के कार्य हुए हैं, उन कार्यों में पूज्यपाद महाराज जी का जो कर स्पर्श है, उससे हम सभी लाभान्वित हुए हैं और दिन प्रतिदिन हम उनके द्वारा बताए गए पद चिन्हों पर चलकर और आगे बढ़ने के लिए एक विकसित समाज की ओर हम प्रेरणा पा रहे हैं। पूज्यपाद महाराज जी, इनके साथ हमारा व्यक्तिगत बहुत बार संस्पर्श हुआ है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनके संस्मरणों को बोलने से सच में एक हृदय स्पर्शी एक स्पंदन का अनुभव होता है। पूज्यपाद महाराज जी के साथ एक कुछ ऐसे संस्मरण रहे हैं जिसमें उनके प्रशासक स्तर को हम ज्यादातर स्तर से जानते हैं, सभी लोगों का यह अनुभव रहा है। तो एक बार की बात है कि ट्रेनिंग सेंटर में जब मुझे नया नया चश्मा पहनने को पड़ा, जब दिखाई नहीं दे रहा है, चश्मा पहनने वाला सेवा प्रतिष्ठान जैसे हमारा नियम था, गवर्नमेंट प्रशिक्षण केंद्र से ना सेवा प्रतिष्ठान जाना है, वहाँ से चश्मा मिलेगा और वो पहन के आना है। तो जब वहाँ से मिला, उसमें मुझे महाराज जी से प्रथम बार एक प्रशासक के रूप में उनके उनके जो कक्ष है, उसके सचिव का जो कक्ष है, वहाँ जब बैठे हैं तो सचमुच में ऐसा लग रहा है कि अंदर जाऊँ या ना जाऊँ। तो किसी के साथ बात भी कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि शेर की दहाड़ आ रही है, तो इतनी जोर से आवाज आ रही है कि भाई जाऊं ना जाऊं, अंदर घुसो के ना घुसो। ठीक है, अब एक बताना तो है कि भाई हम जाएं अंदर बात करें, तो पूज्य स्वामी जी से बातचीत हुई और इतना स्नेह कि वो पहले वाला जो रूप हम बाहर में सुनाई दे रहा था वो नहीं था, वो एक स्नेह एक पिता के समान जैसे एक पुत्र के लिए होता है, वैसे एक ममता माई हमें उस समय स्नेह का अनुभव हुआ। पर उसके बाद फिर से क्या हुआ कि जिस डॉक्टर ने चश्मा दिया, माइनस के बजाय प्लस का दे दिया। और फिर से क्या हुआ कि ट्रेनिंग सेंटर में और 2 महीने बीत गए, मैं मंदिर में प्रणाम करने जाता, संध्या के समय आरती के समय ठाकुर जी को देख रहे, ऊपर नीचे चश्मा कर रहा, भाई क्या हो रहा, कुछ दिख नहीं रहा, ठीक से नहीं दिखाई दे रहा। मैंने कहा इस बार महाराज जी के पास जाऊंगा, कंप्लेंट करूंगा कि आपका डॉक्टर ऐसा है कि मुझे माइनस की बजाय प्लस दे दे रहा है, क्या सेवा हो रही है। मैं सोचा ऐसे जाके मैं महाराज जी के साथ झगड़ा करूंगा, क्योंकि प्रेम मिल गया ना, प्रेम मिल गया तो वहां झगड़ा स्वाभाविक है, मस्ती से हो जाएगा। और हुआ ये कि जब जिस दिन सोचा कि मैं जाके महाराज जी से बोलूंगा, जब डॉक्टर के पास गया, उस दिन देख रहा हूँ महाराज बाहर खड़े होकर किसी को ऐसे करके ऐसा बोल रहे कि और हिम्मत नहीं हुई कि तुम्हारे जाके महाराज जी से बात करे। तो ये महाराज जी का एक प्रशासन स्तर बाद में ठीक हो गया। वो आपको देख के ही पावरफुल हो गया, तो मजा आया। तो उस समय जो पहला जो संस्पर्श था वो ऐसा रहा ट्रेनिंग सेंटर से इधर आने के बाद। ऐसे पूज्य महाराज जी दिल्ली आते थे और तब उनको देख के उनके साथ बातचीत का एक अलग संपर्क था वो, किंतु प्रशासक के स्तर में जब उनको देखो तो एक बाघ या सिंह के जैसे वहाँ बैठे हैं। सचमुच ये एक अलग अनुभव था, किंतु मेरे साथ व्यक्तिगत अनुभव एक और भी रहा, जो शायद आप सभी जिस प्रकार से एक आश्रम की प्रगति के संपर्क में, स्कूल की प्रगति के संपर्क में, जैसे हमारे हमारे भाई संदीपन महाराज जी ने जैसे बताया, किंतु मेरे साथ ये एक और एक संपर्क रहा कि जब मैं पूजनीय स्वामी गंगानंद जी महाराज के ऊपर जो पुस्तक बना रहा था, उसके लिए जितना भी फंड कलेक्शन किया था वो एक आश्रम में मैंने जमा किया था। और हुआ ये कि महाराज जी ने जब देखा, अरे ये छेलेटा तो भले ही काज करे छे, एक काजटा करे देवा उचित। पूज्य महाराज जी ने जब हमारे संघाध्यक्ष महाराज परम पूज्यपाद श्रीमद स्वामी स्पूर्णानंद जी महाराज आए, तो बोले कि इस कार्यक्रम के साथ तुम्हारा कार्यक्रम, ये पुस्तक का प्रकाशन जो है इसके साथ क्लब किया जाएगा और तुम अच्छे से तैयार रहो। हुआ है कि पुस्तक का प्रकाशन हुआ, बहुत ही सुंदर तरीके से महाराज जी ने इसको अरेंज कर दिया, किंतु वहाँ के जो सेक्रेटरी आए थे उन्होंने लास्ट में ये बोल दिया कि अगर 1,00,000 रुपये हमें ना दोगे तो फिर तुम्हारे पुस्तक प्रकाशन हम आते हैं। जो भी है वो आश्रम बाहर से था, तो ऐसा जब हुआ तो मैं तो उसमें लोगों के साथ हमारी प्रॉमिसिंग स्तर पर था, लोगों ने कहा कि भाई इतना डोनेशन आपको दिया गया है, अगर आपने इसको पुस्तक नहीं छपवानी थी आपको हम जेल भेजेंगे, आपके आगे इसमें FIR करेंगे, ऐसा करके मेरे लिए ऊपर में बहुत सारे ब्लेम लग गए।
वो समय मेरे लिए इतना कष्टपूर्ण गया कि मैं बता नहीं सकता किसी को, किसी के ऊपर में किसी प्रकार का ब्लेम लगे वो एक बहुत ही कष्टकारक समय जाता है। किंतु पूज्य महाराज जी ने इस केस को इतना अच्छे से संभाला कि वहां से पैसा भी निकल के आया, पुस्तक को एक बहुत बड़ा एक छत्र छाया रामकृष्ण मिशन की मिली लोक शिक्षा परिषद से, वो आज भी पुस्तक बहुत ही लोकप्रिय हो रही है, न कि न केवल हिंदी में बल्कि बंगला में भी पूज्य महाराज जी ने इसके लिए अनुमति प्रदान की। तो ये एक व्यक्तिगत बात ऐसी है कि आप सभी लोग आश्रम की गतिविधियों से संपर्क होकर बताते हैं कि, तो व्यक्तिगत स्तर पर मैं महाराज जी के प्रति इस कार्य के लिए विशेष प्रकार से कृतज्ञ, हम उनका अनुग्रहित बने रहेंगे। पूज्य महाराज जी दिल्ली जा रहे हैं, ये एक बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात मेरे लिए भी है कि मैं वहाँ 9 से 10 साल वहाँ मैंने सेवा का कार्य किया है। तो दिल्ली में सेक्रेटरी का जो स्थान है, कहते हैं कि बेलूरमठ में एक जो कैपिटल पर जो काम किया जाता है वो एक स्थान दिल्ली में दिल्ली के सेक्रेटरी का होता है। तो ये स्थान आप ऐसा ना सोचे कि नरेंद्रपुर एक बड़ा विशाल सेंटर है और दिल्ली एक सेंटर, आयतन के स्तर पर और क्षेत्रफल के हिसाब से हो सकता है छोटा एक स्थान रहे दिल्ली, किंतु उसका कार्य क्षेत्र बहुत विशाल है, बहुत बृहद है। संपूर्ण रामकृष्ण मठ मिशन का जितना भी कार्यकाल जो भी योजना भवन से हो या संसद भवन से हो, प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, वो सारा कार्य हमारे दिल्ली सेंटर से होता है। और वो जो पदभार पूज्य स्वामी जी ग्रहण करने जा रहे हैं, वह सेवा जिस प्रकार से यहाँ नरेंद्रपुर के विकास के लिए हुआ है, वो संपूर्ण हमारे रामकृष्ण मठ मिशन के लिए सहयोगी होगा और उन्नति का एक कारक बनेगा। मैं पूज्य महाराज जी के पास में यही विनीत अनुरोध करता हूँ, आपका जो आशीर्वाद हम सब पे बना रहे। और मुझे यही अनुभव रहा है महाराज जी के साथ, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति च ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। आप देखते हैं पूज्य बाद हमारे स्टेशन जी प्रत्येक दिन जितना हो सकता है महाराज जी के पास संस्पर्श में जाते हैं और इसी प्रकार से क्या करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, इसी दिशा निर्देश के द्वारा अपने स्कूल को आगे से आगे लेके जा रहे हैं। इसी प्रकार से हम सभी सब समय उन्हें एक फादरली फिगर के रूप में देखते आए हैं और यही उनका जो हमारे प्रति स्नेह है सब समय बना रहे। इसके लिए ये नहीं है कि आंखों में अश्रू भर के हम विदाई दें, हम तो ये कहेंगे कि हम लोगों का ये, हम लोगों सभी के लिए ये भारतवर्ष की जो एक कैपिटल, पुरानी कैपिटल कलकत्ता से ये भारतवर्ष की नई गणराज्य कैपिटल दिल्ली जा रहे हैं, इस कैपिटल से उस कैपिटल में, मींस कैपिटल गेन ही हो रहा है हम लोगों का, वी आर गेटिंग बिगर गेन। सो वी आर हैप्पी दैट महाराज इज गोइंग फॉर द ग्रेटेस्ट एंड वंडरफुल रेस्पॉन्सिबिलिटी, इट विल बी अ वंडरफुल प्लेस फॉर ऑल ऑफ अस, हम सभी के लिए एक बड़े सौभाग्य की और ये शुभ सूचना है। पूज्य पाद महाराज जी एक बहुत सुंदर स्थान पर हम सभी के लिए एक भरत हस्त के रूप में हमारे साबित होंगे। पूज्य पाद महाराज जी को प्रणाम निवेदित करता हूँ, आप सभी को भी सहर्ष धन्यवाद, प्रणाम।